ग्वारफली के अंदर थोड़ी सी बिटरनेस होती है या कड़वाहट होती है, तो उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप छुरी से काटेंगे तो इसके अंदर से जो कड़वाहट होती है, इसकी जो बिटरनेस होती है, वो नहीं निकलेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ ग्वारफली को काटने का और उसको पकाने का तरीका शेयर करूँगी। ग्वारफली को आप लोग किस तरह काटते हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आप मेरे तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। ये आधा किलो ग्वारफली है, इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद मैंने इसका पानी थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरह काटना है। ग्वारफली के अंदर थोड़ी सी बिटरनेस होती है या कड़वाहट होती है, तो उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो चलें देखते हैं कि फिर मैंने इसे कैसे बनाया है। इसको छुरी से नहीं काटना है, इसको हाथों से मैं बनाऊँगी। अगर आप छुरी से काटेंगे तो इसके अंदर से जो कड़वाहट होती है, इसकी जो बिटरनेस होती है, वो नहीं निकलेगी। इसका जो ये चौड़ा वाला पार्ट है, जो इसका ये चौड़ा वाला पार्ट है और एक ये पतला वाला है, तो चौड़े वाले हिस्से की तरफ से इसको तोड़ के और इसको पीछे से खींच लेना है। इसको तोड़ना है और ये ऐसे खींच लेना है। ये देखिए, इस तरह में जो चौड़ा वाला हिस्सा है इसका और ये पतला वाला हिस्सा है, जो चौड़ा वाला हिस्सा है उस तरफ से इसको नीचे की तरफ लेना है। इसको यूँ खींच लेना है। ये देखिए, यूँ खींच लिया, छोटे छोटे टुकड़े बनाए इसके, ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस ना करें। मैं इस तरह सारे बना लूँगी। ये सारी ग्वारफली मैंने बना ली है और ये देखिए इसके अंदर से इतना कचरा निकल गया है। बस मैं इसे एक दफ़ा और धो लूँगी और धोने के बाद इसे छलने में रख दूँगी। फिर पकाने की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, 1/4 कप मैंने तेल डाला है इसके अंदर। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ये थोड़े से मेथी दाने डाल दूँगी इसके अंदर। मेथी दाने को इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। मेथी दाना देखें थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर, ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, उसको मैंने स्लाइस कर लिया है। इसे मैं गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं ग्वारफली डाल दूँगी। ये 1/2 किलो ग्वारफली है। 1/2 चम्मच मैंने अदरक डाला है पिसा हुआ और 1 चम्मच मैंने लहसुन डाला है पिसा हुआ। 1/2 चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दूँगी। हल्दी पाउडर और अदरक लहसुन डालकर इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। फ्राई करने से ये होगा कि ग्वारफली की जो अपनी स्मेल होती है तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसे मैं 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर बाकी मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मची में लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 चम्मची में नमक डाल रही हूँ, नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1/2 चम्मची सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों को डालकर मैं 1 मिनट इसे फ्राई करूँगी। मसाले डालने के बाद 1 मिनट मैंने इसे दोबारा से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर, ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं और 5 अदद हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर, इसको मिक्स कर दें। अब इसके अंदर मैं पानी डालूँगी। मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी डाला है। मैं चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दूंगी ताकि इसके अंदर जल्दी से उबाल आ जाए। इसके अंदर उबाल आ चुका है, एक दफा मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे दोबारा से कवर कर दूंगी और चूल्हे की फ्लेम को लो कर दूंगी और लो फ्लेम पे मैं ग्वारफली के गलने तक पकाऊंगी। इसे चेक कर लेते हैं। बीच में मैंने इसे 1-2 दफा चला दिया था। ग्वारफली और टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसके अंदर मैं आलू डाल रही हूँ। मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए, वो डाल दिए। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने 1/2 कप जो है वो सोया लिया है और इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी मैं और डालूँगी, तकरीबन 1/2 गिलास, ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। नमक इस टाइम पे चेक कर लें, अगर नमक कम लग रहा है तो नमक ऐड कर लीजिएगा।
अब इसे मैंने कवर कर दिया है। कवर करके लो फ्लेम पे आलू के गलने तक पकाऊंगी। आलू गल जाएंगे तो फिर मैं एक दो चीज़ें और इसके अंदर ऐड करूंगी। उसे चेक कर लेते हैं, आलू चेक कर लेते हैं। आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर एक दो चीज़ें और ऐड करूंगी। पानी भी देखें तकरीबन ड्राई हो चुका है। ये दही है, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट दिया है। 2 बड़े चम्मच मैंने दही डाल दिया है। 1/4 चम्मची मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है। चूल्हे की फ्लेम को अभी लो रहने देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम कर दिया मैंने। अब दही का पानी ड्राई होने तक इसे पकाऊंगी। चेक कर लेते हैं, पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इसका जितना भी ऑयल है वो ऊपर आ जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें तेल सारा ऊपर आ चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।